विवाद को छोड़िए और शिविर जाने की तैयारी कीजिए। हमें पता है, हमें जल्दी बुलाया है, जल्दी बुलाया है। चलिए महाराज, आपको शत्रुघ्न भैया, चलिए जल्दी अयोध्या जाने की तैयारी कीजिए, जल्दी बुलाया है। हाँ हाँ महाराज, बसवंत क्यों है, हमें मालूम हो गया कि हमें जल्दी बुलाया है। हाँ आओ, आपको जल्दी बुलाया है। बेहद खुशी महसूस करते हैं कि ऐसी ये अयोध्या की हालत ऐसी बुरी क्यों दिखाई दे रही है। तमाम गली कूचे भी राम पड़े हैं और सारे बाजार बिल्कुल सुनसान पड़े हैं। राज महलों पर चीले ही चीले झूम जा रही है। ये लक्ष्मी तो किसी भारी बुराई का पता बता रही है। ना मालूम आज किसका मातम हो गया, जो सूर्यवंश का ठंडा भी नम हो गया। ये जो क्या कहता माम बाजार वीरान पड़े हैं और जिधर भी देखो राख के अंबार पड़े हैं। यही अयोध्या जहां हर समय कांधा से कांधा छिला था और प्रत्येक गुजरने वाले को बड़ी मुश्किल से रास्ता मिलता था, वही बस आज ना कोई आता जाता दिखाई दे रहा है। बेशक हालात को खराब नजर आ रहे हैं, दादाजी जल्दी से पिताजी के महल की ओर चलते हैं। जी शत्रुघ्न जी, तुमने आने में बहुत भीड़ लगा दी, तो हम तुम्हारे नाना मामा तो सब ठीक है? हाँ माता जी, वहां सब कुशल मंगल है, मगर मुझे अभी तक पिताजी के दर्शन नहीं हुए, वह कहाँ है? बेटा धैर्य से काम लो और सबर की थकान उतारो, धीरे धीरे सब बता दूंगी। माता जी मेरी थकान तो पिताजी के करते ही दर्शन करते ही उतर जाएगी, मुझे शीघ्र बताइए पिताजी कहाँ है? बेटा कुछ खा लो, धीरे धीरे सब बता दूंगी। मैं पूछता हूँ पिताजी कहाँ है, और तुम कहती हो कि धीरे धीरे सब हाल बता दूंगी, आखिर ये मामला क्या है? बेटा कह दो रही हूँ, धीरे धीरे सब बता दूंगी। आश्चर्य है, जो बात मैं पूछना चाहता हूँ उसका तो सही उत्तर नहीं दे रही हो, धीरे धीरे सब हाल बता दूंगी। है क्या कहा पिताजी, साजिशकार है? शोक, मैं अंतिम समय में उनके पास रहा
रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी भी बड़े भाग्यवान थे जिनके हाथों में पिता जी ने प्राण दिया गए। अच्छा मैं यह तो बता आखिर पिता जी को रोग क्या था? बेटा रोग तो कुछ ना था, बस हाय राम हाय लक्ष्मण कहते हुए स्वर्ग सिधार गए। ये क्या कह रहे हो भाई रामचंद्र जी? तुम्हें भाई लक्ष्मण मिले और मैं उपस्थित नहीं थे क्या? हाँ बेटा, वह पहले ही वन को जा चुके थे, उन्हीं की जुदाई में तो महाराज ने प्राण त्याग दिए बेटा, और तुमको तो बिल्कुल याद तक भी नहीं किया। ऐसा अनर्थ चार चार बेटों के होते हुए भी अंतिम क्षण में एक भी पास ना हो, भैया रामचंद्र जी ने ऐसा कौन सा अपराध किया जो उनको मन में जाना पड़ा? जरा विस्तार से बताओ। बेटा असल बात तो यह है कि महाराज ने रामचंद्र देने की तैयारी की, मुझे तो खबर तक ना थी, भला हो बिचारी मंथरा का जिसने मुझे सब हाल बताया और खबरदार किया। मैंने किसी समय महाराज से दो वचन का प्रण कराया था, मैं समय उचित जानकर पहले वचन में रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास और बेटा तुम्हारे लिए राज तिलक मांगा। बेटा मैं कैसे गुवारा करती कि राम राज्य करे और मेरा बेटा मारा मारा फिरे, सो मैंने अपना कर्तव्य निभाया। बेटा अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। बेटा तेरे नाम का यही समय, अब देखती क्या हो आगे। हाँ कुंवर जी, महारानी जी सच कहते, अब खुशी से राज संभालो और राज्य देने की तैयारी करो। भाई जो कुछ होना था सो हो लिया, हमने अपने कर्मों को रोना था सो रो लिया, अब अपनी तबीयत को ठिकाओ और स्त्री पर हाथ उठाकर अपनी कुल को दाग मत लगाओ। ओ कंपक चुने यास